वेलकम बैक गाइज टू माई न्यू वीडियो। तो गाइज रियलमी नार्जो 60X 5G डिवाइस के लिए दिसंबर मंथ का जो अपडेट है वो यहाँ पर रोल आउट हो चुका है। तो मैंने भी अपने डिवाइस में इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है और इसको यहाँ पर टेस्टिंग भी कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस अपडेट का क्या वर्जन होगा, क्या साइज़ होगा, इस अपडेट के बाद आपको यहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत कुछ नए फीचर्स जो है वो यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो गाइज वीडियो को कम्प्लीट वॉच करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो इसका न्यू वर्जन और साइज़ है वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो इसका न्यू वर्जन है वो है 13.2.0.400 SP03EX01। ये हो गया दोस्तों यहाँ पर वर्जन, ये एक ऑफिशियल वर्जन है यानी कि ये एक स्टेबल अपडेट है रियलमी वाई 4.0 एंड्रॉयड 13 का। साइज़ की अगर बात करें तो 411.09 MB जो है इसका साइज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये हो गया दोस्तों यहाँ पर इसका न्यू वर्जन एंड साइज़। अब हम देख लेते हैं कि इस अपडेट के बाद यहाँ पर आपको क्या कुछ चेंजेस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइस बात करें सबसे पहले चेंजेस की तो वो आपको देखने के लिए मिलता है सेटिंग्स में। मोबाइल नेटवर्क में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो एक नया ऑप्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं 5G सर्विस इंस्ट्रक्शंस का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बेसिकली ये एक ट्रबल शूटिंग गाइड है, अगर आपके फ़ोन में 5G सर्विस अनअवेलेबल है तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर ट्रबल शूट कर सकते हैं, इसको पढ़ के यहाँ पर वो इसकी जो गाइड है वो दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपके एरिया में 5G नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं है ये सब भी आपको यहाँ पर चेक करने का जो मेथड है वो बताया गया है कि कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर एक आपको नया ऑप्शन है वो इस अपडेट के बाद देखने के लिए मिलता है। ये जो है अगर आप अपडेट को करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उसको एक बार क्लिक कर चुके हैं तो फिर आप यहाँ पर मोबाइल एंड नेटवर्क में जाके 5G सर्विस इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक यहाँ पर आपको इसमें एक नया अपडेट में चेंजेस देखने के लिए मिलता है। के बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर इसके नेक्स्ट चेंजेस की तो जो इसमें वॉल्यूम का साइड बार होता है वो आपको यहाँ पर राइट साइड में देखने के लिए मिलेगा इस अपडेट के बाद। इसके पहले ये जो साइड बार आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होती थी, लेकिन अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे साइड बार आपको राइट साइड में जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक और चेंजेस यहाँ पर ऐड किया गया है इस अपडेट के बाद। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर इसके नेक्स्ट चेंजेस की यानी कि इसमें क्या आपको नया देखने के लिए मिलता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में आप जाके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें VoNR का जो ऑप्शन है वो इनेबल कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं VoNR कॉल्स जो है वो यहाँ पर एक्टिव है। अगर आपके इसमें एक्टिव नहीं है तो आप यहाँ पर जाके इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये जो VoNR का ऑप्शन है इस अपडेट के बाद यहाँ पर ऐड किया गया है इस डिवाइस में। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर इसके नेक्स्ट चेंजेस की तो वो आपको देखने के लिए मिलता है इसके सिक्योरिटी पैच में। तो यहाँ पर आपको नवंबर मंथ का जो सिक्योरिटी पैच है वो देखने के लिए मिलता है इस अपडेट के बाद। हालांकि जो अपडेट है वो दिसंबर के लास्ट में रोल आउट हुआ है, लेकिन अपडेट का जो सिक्योरिटी पैच है वो आपको 5 नवंबर 2023 का ही देखने के लिए मिलता है। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर इसके नेक्स्ट चेंजेस की तो वो आपको यहाँ पर जो चेंज लॉग में है वो मैं दिखा देता हूँ। इम्प्रूव्स सिस्टम परफॉर्मेंस और फिक्सेस सम नोन इशू टू इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। तो ये जो दो लाइनें हैं रियलमी हर डिवाइस के हर अपडेट में मेंशन करता है, क्या यहाँ पर सिस्टम के परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, इसको मैं और डिटेल में यहाँ पर आपको चेक करके इसका पूरा फुल रिव्यू जो है वो लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।